हेलो गाइस, स्वागत है सबका आज की एक और नए वीडियो में। तो भाई अभी आप अपने अपने सामने देख ही सकते हो, यहाँ पे 4v4 कस्टम का मैच होने वाला है। भाई चारों के चारों सामने वाले अपने फ्रेंड लिस्ट के बंदे हैं। इसका मतलब ये मैच जस्ट फॉर फन वाला ही एक मैच है, बस मजे के लिए गेम खेला जा रहा है। तो चलो देखते हैं इस मैच में जीतता कौन है। और हर पिछले बार की तरफ मैंने इस बार भी गेम को पहले रिकॉर्ड किया, वॉइस ओवर में बात में से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया था मुझे भाई सीखनी है कमेंट्री। तो चलो देख सकते हो यहाँ पर मेरे तीन बंदे साथ में हैं, जो कि है लेजेंड, ट्रूपर और एनएचके कैप्टन। और यहाँ पे सामने मैं आपको दिख ही रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिए यूएमपी और भाई ग्लूवल तो अपने आपको पहले मांगना ही पड़ता है, क्योंकि डेजर्ट ईगल थोड़ी सी कमजोर है हमारी। तो भाई कोई रिस्क नहीं ले सकते मैच में, इसलिए हम लोगों ने अपनी पहली मैंने उठा लिया यूएमपी। साथ में सभी के सभी निकल रहे हैं, सबसे आगे कैप्टन, क्योंकि भाई कैप्टन को बनाएंगे बलि का बकरा और किल हम कर लेंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल पे मत लेना कैप्टन, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे होगे तो यहाँ पे देख सकते हो सामने की ओर मैं पहले निकल रहा हूँ। मैंने पहले सोचा कि ये भाई थोड़ा डाउन निकाल लिया बंदे, और सामने मेरे को एक अकेला बंदा दिख रहा है, इसलिए मैंने रश कर दिया बंदे के ऊपर। तो बंदा यहाँ पे सामने शायद मेरे ख्याल से कोई यूएमपी इसके पास भी है, इसको मैंने डायरेक्ट रश किया। सामने एक और बंदा, और यहाँ पे मैं डैमेज देने की कोशिश, 143 का डैमेज और छोटा सा हेडशॉट लगने के बाद एक बॉडी डैमेज पर मेरे को बहुत डैमेज हो चुका है। तो मेरे को भाई पहले हील करना पड़ेगा अपने आप को, और साथ में मेरे टीममेट्स आ चुके हैं। मेरे को डर ये है कि मेरा गिल ना चोरी हो जाए। बंदा यहाँ पे दिखता हुआ और ये हेडशॉट बहुत ही सही मैच जा रहा है अभी तक। तो सामने एक और बंदा है, लेकिन उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई भाई भाई, ये क्या हो गया, बंदे को तो इसने पैक कर लिया, मतलब ये रिवाइव कर रहा है बंदा। तो हमारा हेडशॉट मिस हो गया, चलो कोई नहीं। सामने बंदा निकलता हुआ अपने आप को पहले पैक करे, क्योंकि खुद को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है हमें, क्योंकि मारने से ज़्यादा खुद को पहले प्रोटेक्ट करना होता है हमें, ठीक है। सामने बंदा दिख रहा है, इसको डैमेज करके देख सकते हैं। हाँ चलो, ये बंदा नॉक हो गया, और अब पहले से फिनिश कर दिया हम। नहीं चलो चलो छोड़ दो, जोन तो आ ही रहा है वैसे। चलो आगे चलते हैं दूसरे बंदों की तरफ। ये एक और बंदा यहाँ पे, और इसको फुल इस पर मतलब स्प्रे कर दिया हमने, सामने वाले बंदों ने, मेरे टीममेट्स ने। यहाँ पे बंदा निकल रहा है, इसके पास भी अच्छी खासी गन है, और ये हमको पूरा डैमेज दे सकता है, क्योंकि मेरी हेल्थ वैसे भी कम थी और नॉक भी हो गया। लेकिन 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 हमारे प्लेयर ने निकाल लिया, और एनएचके कैप्टन हाजिर है मेरे को रिवाइव करने के लिए। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं बिना अपने आप को हील किए बंदे पर रश कर दूँ, क्योंकि सामने एक बंदा मेरे को किल चाहिए था, लेकिन जाते जाते किल पहले दूसरे बंदे को मिल गया, और सबके सबके खाते में एक एक किल, और 1-0 से हम निकले हैं आगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जैसे कि दूसरे राउंड की शुरुआत हो चुकी है और 1-0 से हम लीड पे हैं। तो अब भाई सबसे पहले बस मेरे को वेस्ट लेना है, ठीक है, क्योंकि दूसरे राउंड के लिए हमें पैसे बचाने पड़ेंगे। और देख ही सकते हो आप, हमारे सामने सारे बंदों ने ज़्यादातर वेस्ट ही लिए, गन किसी ने खेली ही नहीं है, क्योंकि बंदों की हमने गन्स लूट ली थी। और देखते हैं इस राउंड में हमारा क्या होता है, बंदे सामने वाला खाता खोल पाते हैं या फिर नहीं। और राउंड स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हो, उसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और ध्यान से घंटे का घंटा मतलब बेल आइकन को दबा लेना, ताकि वीडियो की सारी अपडेट्स आपको मिलते रहे। और यहाँ पे देख चुके हो मैं राइट साइड से जा रहा हूँ बंदों के ऊपर रश करना, मतलब पीछे की साइड थोड़ा हमको कवर मिल जाता है, मैं दूसरे बंदों को कवर लेने के लिए, पर सामने बंदा और 110-115 का हेडशॉट और बंदा डाउन। इसको जब भाई कोई और रिवाइव करते इसको, तो सीधा चलते हैं इसकी लूट लूटने। और भाई यहाँ क्या हो गया, हमको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ चुका है, हमको अपने आपको हील करना पड़ेगा। मेरे जल्दी से बस आके टीममेट मेरे को बचा ले, वरना भाई मेरा तो गेम खत्म हो जाएगा यहीं पे। पर चलो बंदा वहाँ आ गया, हम इसके मजे ले सकते हैं, इसके साथ मार सकते हैं। पर कहाँ गया वैसे बंदा, भाई बंदा यही था अभी तो, कहाँ चला गया, जादू हो गया मतलब। चलो देखते हैं, बंदा साइड से गया है, उसके पीछे की ओर चलते हैं। पीछे बंदा यहाँ पे ये रहा, पर बंदा उस साइड चला गया, कोई फायदा नहीं। चलो आगे की ओर रश करते हैं दूसरे बंदों के पास, और ये किल चोरी, किल चोरी, किल चोरी, एनएससी कैप्टन का किल चोरी कर लिया हमने। और इसी तरफ हमने दो राउंड निकाल चुके हैं, और लीड मिल चुकी है हमको 2 पॉइंट्स की, और स्कोर अपने सामने आप देख सकते हो 2-0। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बोली थी कि आप लोग कोई भी कमेंट करके मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हो, या फिर जिस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मेरे से एक दो बंदों ने वीडियो की मतलब मांग भी की है, मतलब मेरे को बताया भी है किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। तो मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा कि वो वीडियो मतलब इस वीक के अंदर आपको मिल जाए, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, और जिस जिसके जो डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। कमेंट्स मैंने एक बंदे ने मतलब मेरे को रिप्लाई भी किया था, मतलब उसको एक डाउट था और मैंने उसको रिप्लाई बैक भी कर दिया हुआ है। तो इसलिए आपको भी जो प्रॉब्लम होगी वो आप मेरे से पूछ सकते हो। और यहाँ पे हम अपने मैच के ऊपर ध्यान देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब देख ले बंदे हैं कहाँ पे, और बंदे तो कहीं दिख नहीं रहे। तो अच्छा, राइट साइड में एक बंदा ग्लोअर ला के आ रहा है रेड कलर का, और हमें उससे बचते बचते उसके पास जाना है। बंदा अकेला ये, तो शायद मैं इसको अकेले फिनिश कर सकता हूँ। इसको मैंने डैमेज दिया, 12 का डैमेज लगा, फिर यूएमपी से ट्राई मारते हैं कुछ तो हो जाए। पर कोई हेडशॉट नहीं, अगर हेडशॉट लगा होता तो बंदा शायद फिनिश हुआ था। और इसने हमारे पास फुल भाई रश कर दिया, इसने भी हमारे ऊपर, और इसने मेरे को नॉक निकाल लिया। अब इसे नॉक हो चुका और तो मैं खत्म ही हो गया फिनिश, और बंदे ने किल निकाल चुका है, मेरे को मार दिया हुआ है। सामने हमारे तीन बंदे, तीनों की भी फुल हेल्थ है, सामने भी तीन बंदे हैं, हम भी तीन बंदे हैं, मतलब हमारी टीम के भी तीन बंदे ही हैं।
तो एक बात आपको फिर से बता दूंगी, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आप देख सकते हो लेजेंड को भाई नॉक निकाल दिया गया हुआ है। कैप्टन थोड़ा अभी लॉन्ग रेंज में खड़े हैं, वो शायद हेडशॉट लेने की खुराक में, और मोहित को भी डैमेज पड़ रहा है वहाँ से क्योंकि मोहित से फाइट हो रही है बंदों की। इन्हें से कैप्टन अकेले यहाँ पे बचे हुए हैं, आप मतलब मोहित भी बचे हुए हैं पर मोहित थोड़ा अंदर की ओर फंस गया जिनका निकलना नामुमकिन सा है, और ये सीधा सीधा उनको भी नॉक निकाल दिया गया। सिर्फ सिर्फ इनमें से कैप्टन बचे हुए हैं यहाँ पे, और अच्छी ग्लू वॉल सामने हमारे मोहित जो प्लेयर हैं वो भी नॉक हुए हुए हैं। बंदे इनको घेर रहे हैं हर तरीके से, शायद इनको अभी पता नहीं है क्योंकि पीछे से भी बंदा आ रहा है, सामने भी इनके बंदे हैं, और यहाँ पे देख सकते हो अभी बस ग्लू वॉल से बची रहे हैं। अगर ये निकाल सकते हैं नॉक, और सामने वाला रिवाइव हो चुका है वैसे तो 3v1 हो चुका है, तो क्या देखते हैं NSC कैप्टन 3v1 क्लियर कर पाते हैं या फिर नहीं। इनको यहाँ पे अपने आप को पहले हील करना चाहिए क्योंकि इनकी हेल्थ बड़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग खुद अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो 2-0 का स्कोर चल रहा है, देखते हैं क्या इस बार खाता खुल जाएगा। और जी हाँ, इस बार इन लोगों का खाता खुल गया, 2-1 का स्कोर हो गया। ये वाला मैच हम डिफीट कर चुके हैं, तो चलो कोई नहीं, अच्छा मैच था। और राउंड 4 की शुरुआत ऐसी हो चुकी है, 2 पॉइंट है अपने और उनके 1 पॉइंट है, मतलब अभी भी हम 1 पॉइंट से लीड पे हैं। तो चौथा राउंड अपना स्टार्ट हुआ, और इस बार हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम 2-2 का ग्रुप बना के बंदे हर एक एक साइड से मतलब रश करेंगे, 2 बंदे उस साइड से, 2 बंदे इस साइड से। इस टीम पे थे हम NSC कैप्टन और मैं, सामने थे मोहित और लेजेंड दूसरे साइड से आ रहे थे जो कि उनके ऊपर रश कर रहे थे, और सामने हमको बंदा दिख गया, बंदे के ऊपर हमने फुल रश मारने का ट्राई किया लेकिन बंदे को शायद समझ आ गया कि हम 2 हैं इसलिए बंदा साइड से निकल चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो एक बंदा आ रहा है, बंदा बाहर निकल जाए, और ये हेडशॉट, बहुत सही हेडशॉट लग गया। बंदे को पहले पैक करते हैं, सीधा किल निकालते हैं, और NSC कैप्टन अपने साथ में, तो हमने पहले किल निकाल लिया, किल कंप्लीट कर लिया। और भाई ये क्या, ये क्या, ये क्या गलती सीन हो गया कुछ, मेरे को ग्लू वॉल लगाना चाहिए था शायद, NSC कैप्टन मार दे पर इन्होंने वॉल लगा ली और मेरे को नहीं बचा सके। और अब तो मैं फिनिश हो चुका हूँ, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अब हम लोग हो चुके हैं 3-3, मतलब नहीं नहीं 2-3 हो रहा है, सामने वाला बंदा भी लेकिन नॉक है, और 2-2 की बराबरी हो चुकी है, 2-2 मतलब हमारे बंदे जा चुके हैं, स्कोर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे NSC मतलब ट्राई कर रहे हैं कि वो बंदे को मार सके ग्लू वॉल के अंदर वाले को, और यहाँ पे लेजेंड भी फंसे हुए हैं। लेजेंड के पास, लेजेंड ने अभी अभी एक बंदा कमिट किया है, दोनों को साथ में आने की सलाह दे रहा था मैं तो इस समय, क्योंकि हमें इसमें इस राउंड को हारना नहीं है, कैसे भी हमको, कैसे भी उनको अपने से बराबर पॉइंट नहीं करने देने हैं, हमको कभी भी लीड में रहना है, क्योंकि कभी भी जब आप लीड में रहोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। NSC कैप्टन फुल तैयारी में UMP के हेडशॉट देने के लिए, MP40 लेके इस समय यहीं पे खड़े हैं लेजेंड। तो सामने सामने आपने देख ही सकते हो दोनों टीमों के प्लेयर्स अच्छा अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं, लेकिन सामने बस बचा है एक प्लेयर, हमारे पास 2 प्लेयर बचे हैं, इसका मतलब हमारे पास अभी 1 प्लेयर का एडवांटेज है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे बंदे ढूंढने में लगे हुए हैं, बंदा है कहाँ पे, फिलहाल हमको पता नहीं था इस टाइम बंदा है कहाँ पे। लेजेंड भी अंदर हैं और NSC कैप्टन बाहर ढूंढ रहे हैं, दोनों लोग मतलब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि बंदा है कहाँ पे, भाई बंदा गया तो गया कहाँ, बंदा कहाँ छुप के बैठा हुआ है, क्योंकि और इसी तरीके से भाई NSC कैप्टन ने हेडशॉट से किल निकाला, किल फीड में आप देख सकते हो हेडशॉट, हालांकि मैं आपको कैमरे में दिखा नहीं पाया इस टाइम क्योंकि इस टाइम था मैं लेजेंड के कैमरे पर। और 5वां राउंड यहीं पर स्टार्ट हो चुका है, 3-1 पॉइंट्स देख सकते हो आप, 3 पॉइंट हमारे, 1 पॉइंट सामने वाली टीम का, और 2 की लीड पे हम अभी भी चल रहे हैं। तो सीधा हम स्किप करके भाई राउंड स्टार्ट करते हैं पहले, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो हमारा राउंड स्टार्ट हो चुका है और सबसे आगे अभी तो यहाँ पे फिलहाल मैं ही दौड़ रहा हूँ और पीछे हो ही जाऊँगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कभी भी मैं मतलब थोड़ा पीछे रह के खेलना पसंद करता हूँ। NSC कैप्टन आगे निकल चुके हैं, हमारी इस बार ये मतलब थी कि हम लोग राइट साइड से जाएंगे, बंदे के ऊपर रश करेंगे, लेकिन बंदे लेफ्ट साइड में दूसरे साइड से थे, मतलब वो अपने राइट हैंड साइड में थे, तो देखते हैं बंदे कहाँ पे। और इस बार भी हमारे सेम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे थे हम लोग अपनी 2-2 वाली, जिसमें कि हमको 2-2 का ग्रुप बनाना था, और मैं इस साइड से ट्राई कर रहा था कि मैं बंदे को नॉक निकालूं किसी को ताकि बंदा NSC कैप्टन हमारा रश कर दे, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे 3-4 ग्लू वॉल अलग अलग टाइप के लगे हुए हैं, इसका मतलब 3-4 बंदे यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले ऊपर वाले बंदे को बंदे किल निकालते हैं ताकि हमारा कुछ तो कुछ फ़ायदा हो, लेकिन यहाँ पे 2 बंदे मेरे को मिल गए और सीधा मेरे को वॉल लगानी पड़ेगी कि मेरे को दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। और मैंने सीधा वॉल लगा के मतलब बंदे को सामने वाले को भी हेडशॉट दिया, और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरा किल चोरी हो जाएगा, और शायद किल चोरी भी हो गया ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं 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 बंदा मतलब अपने आप को पैक करके बैठा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वैसे तो अभी मैं ये चाहता कि NSC कैप्टन यहाँ से हट जाए ताकि मतलब मैं किल निकाल लूँ, ऐसा मैं गेम के टाइम सोच रहा था, पर अभी तो हम सीधा सीधा बस कमेंट्री कर रहे हैं। तो देखते हैं इस बार भी होता क्या है बंदे को, और बंदा बाहर से आए हेडशॉट ही मतलब फेक डैमेज दिखा रहा है, भाई क्या दिक्कत है। और लेकिन हमने एक हेडशॉट निकाल लिया, और इसी हेडशॉट के साथ राउंड खत्म, बड़ा जल्दी राउंड खत्म हो गया, 4-1 चल रहा है पॉइंट, 3 पॉइंट की लीड से हम लोग। और इसी तरीके से अब 6वां राउंड स्टार्ट होने वाला है, और अगर आप अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, घंटे के बटन पर प्रेस कर दो, ठीक है।
आगे और भी वीडियो ऐसे देखने के लिए। ऐसी वर्सेस वाली वीडियोस आती रहेंगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस भी आने वाली हैं कुछ इसी हफ्ते के अंदर अंदर। तो मतलब चैनल पे बने रहो आप लोग, और वीडियो अभी तक देख ही रहे हो तो देखते ही रहो आगे आगे। अब आप लोगों के मन में बड़ा सवाल ये चल रहा होगा कि सामने वाली टीम यहाँ पे कमबैक कर पाई कि नहीं, क्योंकि कोई ऐसे कच्ची टीम तो थी नहीं, सामने वाली भी अच्छी टीम थी। उन सबकी प्रोफाइल्स मैं आपको मैच के बाद में दिखाई दूंगा, पर यहाँ पे अभी हमारा मतलब फिलहाल ये प्लान था कि हम सीधा क्लॉक टावर में पहले हमने बंदे को वैसे तो बुला रहा था ताकि हम 2v2 का करके चले अपना, क्योंकि हमको मैच जीतना है और हमको इनको इसी पॉइंट पर रोकना है। तो मैं ट्राई कर रहा था कि राइट साइड से जाए, क्योंकि बंदों की आदत होती है बंदे उस साइड जाते और हम यहाँ से नॉक निकाल लेते। हमने मतलब पूरी स्ट्रेटेजी प्लान कर ली थी हम लोगों ने कि हमें इनको लोगों को कैसे मारना है। और यहाँ पे देख सकते हो बंदे यहाँ पे हैं, और पहले जब मैंने फायर किया वैसे ही बंदे ने किसी और ने मतलब किल निकाल लिया मेरे किसी प्लेयर ने, जो कि अच्छी बात है। मैंने सोचा इस साइड से जाते हैं क्योंकि बंदा को उसको रिवाइव कर ही रहा था वहाँ पे, लेकिन इस साइड से मैंने देखा कि पैक है भाई बंदा। और देखते देखते दो बंदे उनके मतलब एक बंदा ख़त्म ही हो चुका है, एक बंदा बस नॉक है और वो भी अब ख़त्म निकाल दिया जा चुका है लेजेंड के हाथों हाथ। लेजेंड ने हेडशॉट के द्वारा निकाल चुका है। और यहाँ पे एक बंदा सीधा सीधा हमको दिख रहा है, बंदा इसके अंदर ही है वॉल के अंदर, और देखते हैं वॉल के अंदर कैसे जाते हैं। पहले तो मैंने फुल ट्राई मारा कि इसके अंदर चल ले हम, और कुछ हुआ नहीं हमने हमसे। तो फिर हमने सोचा कि भाई बंदे को निकल जाना, पर सामने को और बंदे दिखते दिखते और ये हेडशॉट लगा, पर बॉडी शॉट से बंदा ख़त्म और सामने वाला बंदा भी ख़त्म निकाल लिया जा चुका है। और इस तरह हमारा स्कोर चुका है 5 और सामने वाली टीम का है 1 पॉइंट। अभी भी देखते हैं टीम कमबैक कर पाती है या फिर नहीं, या फिर स्कोर कुछ ऐसे चलता है। तो आप लोग ऐसा क्या लगता है कि मैच में क्या होने वाला, तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके कमेंट में जाके अपनी राय दे सकते हो। थोड़ा सा वीडियो स्किप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग का स्कोर कार्ड 7662 चल रहा है अभी स्कोर। मतलब फिर देखते हैं आगे लास्ट में कौन बनेगा MVP। और हम लोगों ने यहाँ से भी मतलब आगे प्रस्थान कर चुके हैं हम लोग बंदे को मारने के लिए। और बंदे पहले तो हम देखेंगे भाई बंदे जा किस साइड रहे हैं, अपनी आधी टीम राइट साइड गई है आधी लेफ्ट अपनी लेफ्ट साइड में। तो पहले तो मैंने सोचा भाई बंदे पे सामने की ओर से रश करते क्योंकि उनके बंदे थोड़े अलग दिख रहे थे। तो भाई मतलब मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि और यहाँ पे बंदा नॉक निकालने की पूरी कोशिश, लेकिन इसने पैक कर लिया। हाँ मैं आपको टिप ये दे रहा था कि आप कभी भी उस बंदे के ऊपर रश किया करो जो बंदा अकेला हो अपनी टीम के साथ, क्योंकि उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलती है। और मेरा किल भाई छीन लिया जा चुका है, और यहाँ पे बंदा शायद मैं फुल मार सकता हूँ, लेकिन इसने हेडशॉट दे दिया और मैं नॉकडाउन हो चुका हूँ मैं, और शायद बचूंगा भी नहीं ऐसा मेरे को लग रहा है। लेकिन मेरे प्लेयर ने भाई बचा लिया मेरे को, बहुत सही। तो अब मेरे को सबसे पहले भाई कवर करना है अपने आप को कि कोई आके मार ना डाले। और ये क्या हो गया, कोई अंदर आ भी गया और मेरे को फिर से नॉकआउट कर दिया जा चुका है। और इस बार तो मैं शायद पूरा फिनिश हुआ हूँ कि मेरा बंदा ही बाहर है और सामने से किसी और ने कवर कर चुका है, लेकिन दोनों बंदे उसके रिवाइव हो चुके हैं। मतलब अब हम लोग का मतलब कुछ ऐसा चल रहा है कि हम लोग के पास अब तक 2 बंदे बाकी है, सामने वाले 3, लेकिन वो भी नॉक निकाल लिया गया। लेजेंड ने बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाया अपना, यहाँ पे एक हेडशॉट के साथ एक बंदे को ले लिया। आप देख सकते हो NSC कैप्टन भी दूर से देने में पड़े हुए हैं इनका हर बार। आप देख सकते हो कि लॉन्ग रेंज में खेलने का ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन NSC कैप्टन एक शॉर्ट रेंज में बंदे के साथ फाइट और एक हेडशॉट, छोटा सा हेडशॉट यहाँ पे देखने को मिला। हेडशॉट की बारिश होगी भाई, आप लोग बस देखते रहो, इतने सारे हेडशॉट हमने दे ही दिए, आपने देख ही चुके हैं। लेजेंड बंदे को फिनिश करने के चक्कर में पड़े हुए, एक बंदा इन्होंने नॉक लिया हुआ है और एक बस बचा हुआ है। नॉक मतलब NSC कैप्टन निकाला गया है, NSC कैप्टन के गन के द्वारा नॉक निकाला गया। और NSC कैप्टन भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके किल करो, अपना किल फीड में नाम दर्ज करना है अपनी। और इन्होंने छोटा सा हेडशॉट देते हुए बॉडी डैमेज ज़्यादा दिया, इसलिए बॉडी डैमेज के हिसाब से इनको बॉडी शॉट वाला किल मिला। बहुत सही स्कोर इस तरीके से जा चुका है 6-1 और 5 की लीड पे हम लोग। इस बार तो मतलब थोड़ा पलटा हमारी तरफ भारी लग रहा है। और वापस से अगर हम लोग डाले स्कोर कार्ड पर नज़र, तो स्कोर कार्ड बिल्कुल बदल चुका है 9772, यानी कि मतलब पिछले राउंड मेरा एक भी किल नहीं निकला क्योंकि मैं जाते ही नॉकआउट हो गया था। इसलिए यहाँ पे देख सकते हो मेरा इस बार सिर्फ 7 ही किल, और लेजेंड ने 9 किल निकाल चुके हैं। इस बार भाई लग रहा है कि MVP लेजेंड ही लेके जाएंगे, और हमको जीतने के लिए चाहिए बस एक और राउंड, और सामने वाले देखते कमबैक कर पाएंगे या फिर नहीं। भाई लास्ट चांस है सामने वालों के पास, अगर ये लोग ये राउंड हार जाते हैं तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा और हम लोग विनर्स हो जाएंगे, मतलब हम लोग का बुइया हो जाएगा। और सामने से इस बार हमने भाई मतलब बिल्कुल सोचा था कि बिल्कुल इस बार मतलब अपने मन से खेल लेते हैं, क्योंकि अब तो क्या है, अब लास्ट ही राउंड है ऐसा हम लोग को फील हो रहा था अंदर से। सामने से बंदे ने को डैमेज दिया, लेकिन सामने इनको 3 बंदे यहीं पे थे, इसलिए मेरे को थोड़ा साइड लेना पड़ेगा। ऊपर से गया, सामने एक और बंदा दिखा और इसको मैंने डैमेज दिया, पर कुछ नहीं हुआ। भाई मेरा ये किल भी चोरी यार, मतलब देखो 2 किल मेरे जा चुके हैं, मतलब पहले वाले को मैंने आधे पे छोड़ दिया, इसको मैंने भी आधे पे छोड़ दिया, इसको भी डैमेज दिया, पर मैं नॉक हो चुका हूँ। नॉक निकाल लिया गया मेरे को, और मेरे को शायद लोग फुल कर देंगे कंप्लीट, लेकिन मेरे को मारते हैं NSC कैप्टन अंदर अपना AWM लेके आ गया। और मोहित देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे लेजेंड ने सीधा डैमेज दिया, लेकिन लेजेंड को पीछे डैमेज, और NSC कैप्टन बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इनको बाहर निकलना पड़ेगा अगर टीम को जितवाना है अभी के अभी। और मोहित के सामने बंदा, पर एम कुछ गया नहीं, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम, रिकॉइलिंग हो रही है गन में। और लेजेंड देख रहे हैं सामने बस बचे हैं 2 प्लेयर और हेडशॉट के साथ यहीं पर मैच हमारे हाथों में 7-1 बुइया हो चुका है हमारा।
यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बहुत शानदार वो है, 7-1 से हो चुका है हमारा, मतलब 6 पॉइंट लीड पे जीते हम लोग, लेजेंड बने हैं MVP, बहुत ही शानदार मैच। यहाँ पे देख सकते हो किल्स 3-8-11-7, बहुत ही सही मैच किया है, 7-1 सामने प्लेयर्स देख सकते हो, सबको लाइक देते हैं हम लोग क्योंकि सबने बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाया है। और यहाँ पे आप सामने वाले बंदों की प्रोफाइल देख सकते हो, पहले नंबर पे हैं ज्यूस FF, जिनकी ये टीम थी जो अपनी टीम को लेके आए थे, इंस्पेक्ट करके आपको दिखाते हैं, ये है 72 लेवल के ज्यूस FF, जिनकी आईडी बहुत ही अच्छी आईडी है, मतलब बहुत ही शानदार आईडी है। तो अब आपको दूसरा प्लेयर दिखाते हैं, दूसरा प्लेयर है DS पांडे, ठीक है, DS पांडे यहाँ पर देख सकते हो आप, लेवल 70 है, मतलब काफ़ी लोगों के लेवल 70 और 72 ही मैं देख रहा हूँ अपने फ्रेंड लिस्ट में। तो अभी आप देख सकते हो तीसरे नंबर की आईडी जो कि है, तीसरे नंबर पे साहिल नाम के प्लेयर हैं, जिनका इन गेम नेम साहिल है, हाथ में पोकर MP40, और आप इन्हें भी यहाँ पर देख सकते हो लेवल 68, और लास्ट में EXE रॉय जिनका लेवल है 67। और भाई सभी के सभी प्लेयर्स ने अच्छा गेम प्ले दिखाया, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, मतलब कोई ट्रोल करने के लिए वीडियो नहीं था, ये बस जस्ट फॉर फन था ये गेम प्ले, मतलब ये कस्टम रूम चैलेंज, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।